हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन नेचुरल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम पंखे की जाली से हैंगिंग बास्केट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये वॉल फैन की जाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये वॉल फैन की जाली है, जिसको हम ऐसे ही वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, बट आज हम इसका कुछ डेकोरेटिव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए जो जो सामान चाहिए आप वो देख लें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें होल्स हो रहा है, उसके लिए मैंने प्लास्टिक का ढक्कन लिया है, उसको इसके साइज़ का काट लें। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं और उसको इसके साइज़ का काट लें। और इसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, मैंने बोरी ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं, बट बोरी ईजिली मिल जाती है, तो फ्रेंड्स आप इसको ले, बिकॉज़ ये थोड़ी मज़बूत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से प्रेस करके नीचे दबा देना है, और आपको जो आपको इसको इसके साइज़ से डबल काटना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ नीचे, बिकॉज़ जब हम इसमें सोइल डालेंगे तो ये नीचे दब जाएगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम जब इसमें सोइल को फिल कर लेंगे तब इसको काट लेंगे। तो अब मैं इसमें सोइल फिल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो कटिंग लगानी है, मैंने कुलियस प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर मनी प्लांट है तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सभी कटिंग को एक एक करके लगाती हूँ। और आप देख रहे हैं कि किसके मैंने नीचे की लीव्स हटा ली है, उसको अच्छे से प्रेस करते हुए दबाना है। तो फ्रेंड्स, कुलियस प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो होता है, आप इसकी कटिंग लगा लें, एक दो दिन में सेट हो जाएगी। और तब आप देखेंगे कि आपकी जो आपने हैंगिंग बास्केट लगाया है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसका कलर तो वैसे ही ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने सभी जो कटिंग है इन सबको सेट कर लिया और सभी को सोइल में लगा लिया। अब इसको मैं अच्छे से शावर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कुलियस प्लांट की कटिंग का कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब इसमें अच्छे से शावर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कटिंग लगाने के बाद उसको अच्छे से शावर करना है। आपको इसको शावर से ही पानी देना है, आपको उसको डायरेक्ट या डब्बे से पानी नहीं देना है, बिकॉज़ हमने इसको जाली में लगाया, जिसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको शावर से ही पानी दें। और अब हमने इसको अच्छे से शावर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको सीजर से काट लें। और ये मेरे पास मैंने बिल्कुल साइज़ का लिया था, और बस ये इतना सा कपड़ा ही एक्स्ट्रा है या बोरी, जिसको हमने अब काट लिया। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो आप काट लें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अब हमारी हैंगिंग बास्केट पूरी रेडी है। अब उसमें और इसमें मैंने ये जो मेरी पुरानी बास्केट थी वो टूट चुकी थी, उसकी मैंने ये ले लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसका हुक है, और आप इसको ऐसे प्रेस करके और थोड़ा टाइटली लगा दे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह डोरी भी ले सकते हैं, या कुछ भी धागा वगैरह, जो रस्सी वगैरह आपके पास है आप वो लें। तो फ्रेंड्स, मैंने चेन को अच्छे से बांध लिया है, अब मैं आपको सेट करके पूरा दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे से ईज़िली बांध लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई बास्केट जो टूट चुकी है तो आप उसको ऐसे निकाल के आप वो भी लगा सकते हैं, और वो ईज़िली लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारी बास्केट बिल्कुल तैयार है। तो